प्रज्ञा ने जो भी किया बिल्कुल ठीक फैसला किया। अरे घर ईंट और पत्थरों से थोड़ी बनता है, घर बनता है विश्वास से, इज्जत से। और जिस घर में इज्जत ही ना हो, विश्वास ना हो, ऐसे घर में हमारी बेटी क्यों रहे? कोई बड़े घर और बड़े नाम से बड़ा नहीं हो जाता, इंसान का दिल भी बड़ा होना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा बीजी। लेकिन बीजी, मेरी बच्ची तो अकेली रह गई ना। अकेले कहाँ है वो, हम भी तो है उसके साथ। और वैसे भी मेरी दीना हिम्मत हारने वालों में से नहीं है, अपनी लाइफ का रास्ता खुद ही ढूंढेगी। और अगर माँ आप ऐसी रोने वाली शक्ल बनाओगे और ऐसी बातें करोगे ना, तो वो अपने दुख से कैसे बाहर निकल पाएगी? मुझे नहीं पता वो अपने दुख से कैसे निकलेगी, लेकिन मेरे दिलो दिमाग से उसका दुख नहीं निकल रहा है। क्या करेगी मेरी बच्ची? क्या करेगी? आगे ये होगा कि जब दी दरवाजे पे आएगी तो हम हंसते हुए दी का वेलकम करेंगे, ताकि उसे लगे कि उसने जो भी डिसाइड किया है हम उसके साथ हैं, है ना दादी? बिल्कुल ठीक कह रही है मेरी बुलबुल। और दादी, दी की लाइफ नॉर्मल करने के लिए हमें भी तो नॉर्मल रहना पड़ेगा ना, ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। और ना हम उसे पुरानी बातें याद दिलाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। अच्छा हुआ तुम खुद नीचे आ गए, वरना कुछ देर में तो हम ऊपर आने वाले थे और तुम्हें खिड़की से बाहर फेंकने वाले थे। जितने अच्छे से तैयार होकर आई हो, उतने ही अच्छे से एक बात अपने दिमाग में बिठा लो। जब तुम इस घर से निकलोगी ना, तब इस घर का रास्ता भूल जाना। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, तुम्हें ये भी भूलना होगा कि तुम्हारी शादी मेरे भाई से हुई थी। Not bad. इतनी जल्दी पैकिंग कर दी तुमने, कहीं जल्दबाजी में मेरा कोई सामान तो नहीं रख दिया अंदर? मैं आपका कोई सामान क्यों रखूंगी? क्योंकि तुम जैसी लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है। अरे जानबूझकर मेरा सामान रख दिया होगा ताकि उसे लौटाने के बहाने वापस इस घर में आ सको, है ना? आप खुद चेक कर लीजिए। मैं कोई पुलिस वाला हूं जो तुम्हारा सामान चेक करूंगा? एनीवेज, इस तरीके से तुमने इस बैग को पैक किया है ना, अभी जाकर उसे अनपैक कर दो। मतलब? वैसे तो मतलब की बातों को तो तुम अच्छी तरीके से समझ लेती हो, तो ये बात तुम्हारे समझ में कैसे नहीं? ठीक है, मैं समझाता हूँ। देखो, अनपैकिंग का मतलब होता है कि तुम्हारे इस बैग में जो कुछ भी सामान है ना, उसे अपनी जगह पर रख लो। भाई कैसी बातें कर रहे हो आप, कि अपने घर जा रही है तो अपना सामान तो लेकर ही जाएगी ना? लेकिन आलिया, अब ये कहीं नहीं जाएगी। अपनी नहीं तो कम से कम एक बार अपनी माँ के बारे में तो सोच लिया होता। क्या जवाब देंगी वो जब उनके मोहल्ले वाले उनसे पूछेंगे कि आपकी बेटी वापस ससुराल क्यों आ गई? खुद ही आ गई या उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया? अरे एक बार मुश्किल से शादी हुई थी ना तुम्हारी, तो क्यों जिंदगी भर के लिए अपने मॉम के ऊपर बोझ बन रही हो तुम? इसी वजह से मैंने फैसला लिया है कि अब तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं, मेरा परिवार मेरे साथ, मैं अपने परिवार को छोड़कर किसी और की मदद नहीं चाहती। भैया आप क्या कर रहे हैं? अच्छी खासी तो घर से जा रही थी, अब ये शादी कर रहे हैं, ड्रामा क्या कर रहे हैं? I just don't understand all this. आलिया, ये हम दोनों के बीच का मैटर है। और अब कोई भी बीच में कुछ नहीं बोलेगा।
तो क्या कह रही थी तुम? तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं। पता है तुम्हारे ये जो उसूल है 80s के फिल्मों के डायलॉग की तरह, जो सुनने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। इसलिए बात जब फायदे की होती है ना, तो आप पर कायदे की बात नहीं करनी चाहिए। Come on now, you must be tired. इतना सब कुछ पैक किया है तुमने, अभी अनपैक भी करना होगा और तैयारी भी तो करनी है, क्योंकि अब तुम्हारी टोली उठने वाली है इस घर से, वो भी 2 दिनों में। सोचना भी मत, क्योंकि तुम अब इस घर से तब जाओगी जब तुम्हारी शादी होगी। आप ऐसा सोचना मत, हर बात मानिए आपकी, ये नहीं मानूंगी। क्यों नहीं मानोगी? बताओ क्यों नहीं मानोगी? बुराई क्या है इसमें? मैं तुम्हारी शादी करने के लिए 100 वजह दे सकता हूँ, क्या तुम मुझे शादी नहीं करने के लिए 1 वजह बता सकती हो? दे सकती हूँ, है वजह, क्योंकि मैं नहीं करना चाहती। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। मेरे सवाल का जवाब मैं देखता हूँ। तुम ये शादी इसलिए नहीं करना चाहती हो ना, क्योंकि तुम्हें पता है कि एक बार तुमने ये शादी कर ली ना, तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तुम जानती हो ना, एक बार दादी होश में आ जाएंगे ना, उसके बाद तुम उन्हें अपने बातों के जाल में फंसा कर फिर से अपने आप को इनोसेंट प्रूव करोगी, और उसके बाद दादी मुझे तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए कहेंगी, और मैं दादी की बात को टाल नहीं सकता क्योंकि मैं दादी से बहुत प्यार करता हूँ। दादी मेरी कमजोरी और तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत, और तुम उसी ताकत का इस्तेमाल करके ना इस घर में वापस घुसने के लिए एक जरिया बना रही हो। मैंने कभी इस बात का फायदा नहीं उठाया कि दादी आपके लिए सब कुछ है, और मैं अभी ऐसा नहीं सोच रही। प्लीज प्लीज मुझे बस जाने दीजिए, अभी यहाँ नहीं रुकना चाहती। प्लीज प्लीज जाने दीजिए मुझे, प्लीज नहीं रहना मुझे। तुमने मुझे क्या बेवकूफ समझ के रखा है? तुम्हें क्या लगा कि तुम डिवोर्स के बदले कुछ नहीं मांगोगी तो मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? अरे तुम जैसी लड़कियां ना शादी इसलिए करती है ताकि डिवोर्स के बाद एक बड़ा कॉम्पेंसेशन ले सके। क्या कहा था तुमने कि डिवोर्स के बाद भी तुम इस घर में आकर दादी और बच्चों से मिलना चाहती हो? तो बताओ मुझे क्यों मिलना चाहती हो दादी से? डिवोर्स के बाद भी तुम बच्चों से क्यों मिलना चाहती हो? क्योंकि क्यों? क्योंकि मैं क्योंकि मैं क्यों क्या वो जवाब नहीं है ना? जवाब मैं देता हूं। I am extremely sorry. मैं जानती हूँ आपने कहा है कि कोई बीच में नहीं बोलेगा, but I can't see all this. आप MMS अपलोड करने की बात कर रहे हैं? क्या हो गया आपको? अगर आप वो MMS अपलोड करेंगे तो जानते हैं आपकी इमेज पूरी खराब हो जाएगी, करियर विल बी गॉन, इट विल बी रुइंड। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं फिर भी ऐसा करूँगा। तुम्हारे माँ ने इस MMS के बारे में सुना लेकिन देखा नहीं, और MMS के बारे में सुनना और देखने में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। जब लोग तुम्हारा ये वीडियो देखेंगे ना, तो तुमसे ज्यादा तुम्हारे माँ का मजाक बनाएंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि बदनामी क्या चीज होती है। और तुम लोगों से ज्यादा बदनामी तो मेरी होगी। मेरा नाम, मेरा रेपुटेशन, मेरा करियर सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।